हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है वेग मिश्रा टेक में ट्रेड्स। हम लोग जिस शेयर के ऊपर आज बात करने वाले हैं, बुंजा सीमेंट लिमिटेड है। अमीर बनाने वाला शेयर है ये। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है आजकल, और ये काफ़ी जल्दी ही रेजिस्टेंस ब्रेक करके काफ़ी अच्छी रैली दिखाने की उम्मीद अभी जता रहा है, चार्ट में ऐसा देखने से लग रहा है। तो हम लोग इसकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन, इसका चार्ट चेक और इसके बारे में अच्छे से जानने वाले हैं कि कैसी है कंपनी, कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। पीर कंपैरिजन भी कर लेंगे, जो इसके कंपटीटर हैं वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये कैसे नंबर पे आती है, वो सब कुछ हम लोग विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको फ्री में शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है मैं पोस्ट कर देता हूँ, और आप अपने डाउट भी वहाँ पे फ्री में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ट्रेडर्स, ये वीडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग नए हैं एकदम शेयर मार्केट में, उनको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हर वीडियो में ही मेरी नॉर्मली पता लग जाता है कि जो चीज़ें बेहतर होती हैं वो एक अच्छा इशारा करती हैं इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करके चलने के लिए, जो चीज़ें बेकार होती हैं वो भी बताती हैं कि थोड़ा इससे बचना चाहिए, थोड़ा रिस्क इसमें ज़्यादा है। तो अभी जो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है, करंटली 292 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्नैप लिया था इसका। तो अपकमिंग अर्निंग के रिजल्ट जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो May 5 को है, अभी टाइम है। EPS 11.9 चल रहा है, ठीक है। मार्केट कैपिटल बहुत शानदार है, 566 बिलियन की एक बड़े नंबर की आ जाती है, और डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है इसका, अभी रहा है 6.31% का। और सीमेंट कंपनियों में, सीमेंट सेक्टर से ये सबसे अच्छा डिविडेंड अभी तक प्रोवाइड कर रही है। अभी हम लोग पीर कंपैरिजन में सभी का जान लेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो देखा जाए ट्रेडर्स तो 24.45 है, मतलब इन्वेस्टर ये इतना सटीक अभी सही चल रही है इसकी कंडीशन, ना ओवर वैल्यूड है ना लोअर वैल्यूड है। सेक्टर वाइज भी इसका प्राइस अर्निंग रेशियो ठीक है। आगे बात करें फाइनेंशियल्स पे, तो वैल्यूएशन में ठीक ठाक कंपनी दिखाई दे रही है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो 178,000 लोग होल्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये शेयर काफ़ी अच्छा इसलिए परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और आने वाले टाइम पे इसलिए इसमें उम्मीदें बनी हुई हैं, वो क्योंकि आप बाकी सभी का प्राइस एक्शन देखेंगे वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की कमी है, इसमें भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चल रही है। क्योंकि प्राइस हिस्ट्री में एवरेज वैल्यू 10 डेज का देखेंगे तो 8.7 मिलियन बन रहा है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर आ जाता है। 52 वीक लो जो है 136.55 है, 52 वीक हाई जो है 298.30 है, मतलब अपने जो वीकली हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, और इसको ब्रेक करेगी तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है या नहीं वो हम तो चार्ट देख के ही कंफर्म कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। बैलेंस शीट पे यहाँ पे इतनी डाटा प्रस्तुत नहीं है, पर मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग पूरी बैलेंस शीट देखने वाले हैं सितंबर या 2020 मार्च तक की। तो इसमें भी अभी जो करंटली दिख रहा है टोटल डेप्ट वो बहुत कम है, मार्केट टोटल एसिड कंपनी पास काफ़ी अच्छा है, एसिड जो है बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से डेप्ट बहुत कम है। पर इसका हम लोग एकदम सटीक देखने के लिए पूरी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी जहां तक डाटा अवेलेबल होगा, तो अभी हम लोग आगे वीडियो में देख लेंगे। प्रोफाइल पे बात करें ट्रेडर्स, तो जो सेक्टर आ जाता है नॉन एनर्जी मिनरल से, इंडस्ट्री आ जाती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने की। तो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है एक होल्डिंग टाइप की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल करती है काफ़ी सारे सीमेंट को, और कंपनी जो फाउंड की गई थी अप्रैल 93 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में। तो एक अच्छी खासी कंपनी है, कोई दिक्कत अभी फिलहाल में नज़र नहीं आ रही है। आगे बात करें मार्केट कैपिटल इंडियन रुपीज़ में 57,792 करोड़ की है, एक बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी या बैंक करप्ट हो जाएगी या कोई और दिक्कत आ जाएगी, इस हिसाब से मार्केट कैपिटल इतनी स्ट्रांग है, तो वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ी दिक्कतें जो है वो कम है रहने को दिखाई देंगी आने वाले टाइम में भी, और अभी जो करंटली ट्रेड कर रही है उसमें भी। तो बुक वैल्यू आ जाती है 115, अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करें तो हम लोग हाई प्राइस पे भी जो बाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड पे आउट भी इसका ठीक ठाक रहता है, और डिविडेंड यील्ड परसेंट जो है 6.18% यहाँ पे मेंशन है। हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट में प्रोवाइड किया था वो यही नंबर है, और अच्छी खासी कंपनी डिविडेंड पे आउट करती आ रही है। ROCE और ROE पे बात करें ट्रेस, तो ROCE जो मतलब इम्प्लॉइज़ का जो है वो ठीक ठाक है, कैपिटल इम्प्लॉइज़ जो
है वो अच्छा है, 18.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% है, 14-15% होता तब भी एक अच्छा नंबर रहता, बट स्टिल 10% का रहा है और अच्छी कंपनी चल रही है क्योंकि डिविडेंड 8% भी इसका शानदार रहता है। तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड रिटर्न देने के हिसाब से काफ़ी परफेक्टली अच्छी दिखाई रही है। फेस वैल्यू 2 है तो वन टाइम और स्प्लिट हो सकती है फ्यूचर में अगर होनी होगी तो, अगर कंपनी ने डिसाइड किया, बट अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। ऑल टाइम हाई 298 रुपीज़ है, तो ये भी चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है अगर इसको ब्रेक करती है ट्रेस, और ये अभी करंटली वहीं पे बनी हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कंपनी काफ़ी सटीक जगह पे है, इसको ब्रेक करी तो ऊपर के जो नंबर है वो शानदार तरीके से। ऑल टाइम हाई मतलब होता है ट्रेस की सभी लोग अब तक जितने लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं, होल्ड किए हैं, सभी प्रॉफिट में, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो आपको चार्ट चेक करके मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में ही आप इसी वीडियो में ही कि कहाँ पे परफेक्ट कॉल आपको मिलती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 93.3% है, तो अभी हम सभी की चेक कर लेंगे, मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग फिलहाल अच्छी दिख रही है। रिटर्न ऑन एसेट 10.6% प्लस में है, बहुत शानदार बात है। प्रॉफिट ग्रोथ 17.5% बढ़ी, एक अच्छी बात है। आपको पता ही है हर जगह, हर सिटी में, हर कहीं पे ना यूज, हर जगह पे नॉर्मली यूज होते ही जा रहे हैं सीमेंट के, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, और लॉकडाउन में काफ़ी कुछ रुका रहा, बट स्टिल अब जो कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सेल ग्रोथ पहले से थोड़ी घटी हुई है, 12 मंथ का नंबर रहता है इसलिए उसमें घटी हुई है, बट प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने स्टिल मैनेज किया अच्छा लॉकडाउन के बाद भी, तो अच्छा खासा चलता रहा है। Q1Q प्रॉफिट जो है 17.7% बढ़ा है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज, तो अभी हम लोग सभी का चेक कर लेंगे। फिर कंपैरिजन कर लेते हैं तो 3 नंबर पे आती है, क्यों आती है, क्योंकि मार्केट कैपिटल 3 नंबर पोजीशन पे आती है, सबसे ऊपर पे जिसकी मार्केट कैपिटल काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्ट्रांग है, वो अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके बाद आता है श्री सीमेंट, फिर अबुजा सीमेंट। बट आपको एक मैं शानदार चीज़ दिखाता हूँ, आप डिविडेंड 8% मतलब DIV और YID% करके जो लिखा हुआ नंबर है उसमें देखिए, इसी कंपनी का नंबर जो है 6.18% डिविडेंड पे आउट में है, मतलब डिविडेंड परसेंट जो है, बाकी आप सभी का देखेंगे 0.19 0.4 ऐसे ही नॉर्मल नंबर हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, देखिए सेल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आई है इस सीरीज सीमेंट से भी, तो ओवरऑल देखा जाए ट्रेस तो अच्छी खासी कंपनी है, डिविडेंड 8 पे आउट भी करती है, तो एक अच्छा जो लॉन्ग टर्म के लिए है, इन्वेस्टर टाइप के लोग जो हमारे माइंडसेट से चलते हैं वो बहुत अच्छा इसमें पैसा बना सकते हैं। कंपाउंड सेल देखा जाए तो अभी पिछले 12 महीने का 10% गिरा है लॉकडाउन और उन चीज़ों की वजह से, स्टिल इसका लगभग 3 साल से कुछ इतना ग्रोथ नहीं था, बट अच्छा कर रही है अभी कंपनी, क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट जो है इन्होंने स्टिल मैनेज किया है 12 महीने में, 3 ईयर का भी आप देखेंगे, 5 ईयर का, 10 ईयर का देखेंगे तो अच्छा खासा स्टॉक प्राइस CAGR जो है 1 ईयर लास्ट ईयर का 50% रहा है, तो एक अच्छा नंबर रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी अब कंपनी ने पहले से बहुत बढ़िया धीरे धीरे मेंटेन करती आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। 3 ईयर का 10%, लास्ट ईयर का 11% रहा है, इस ईयर का भी काफ़ी शानदार आएगा ही, क्योंकि अभी आपको पता ही है कितने नीचे से ऊपर तक ग्रो की है। क्वार्टर प्रॉफिट पे बात कर ले ट्रेस, क्वार्टरली रिजल्ट पे बात कर ले, तो क्वार्टरली अर्निंग पे बात कर ले, जो भी काफ़ी सारे नाम होते हैं पर चीज़ एक ही डिटेल होती है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा मिनिमल 8 करोड़ का, मतलब 1 करोड़ तो हम लोगों के लिए बड़ा नंबर हो गया, बट कंपनी स्लाइटली थोड़ा सा कम नंबर आए हैं पिछले सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 में, बट स्टिल एक अच्छा नंबर आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पहले से थोड़ा सा कम है, बट एक अच्छा नंबर है। नेट प्रॉफिट में इन्होंने पूरा एक नंबर मतलब काफ़ी शानदार है पिछले क्वार्टर से, और लास्ट ईयर से भी बहुत बढ़िया नंबर इसके रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेयर में ग्रोथ है, आप मार्च 2018 से दिसंबर 2020 में देख सकते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्टडली कहीं पर थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। ओवरऑल जो है एक अच्छा जो पैटर्न दिखता है ना कि ग्रोथ है, अच्छा नंबर ला रही है, वो चीज़ इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बरकरार है, जो कि एक अच्छी चीज़ शो करता है। जैसे ही मैं इसका चार्ट देख रहा था मार्च में, जब सभी चीज़ों में गिरावट आई थी, उसके बाद से इसमें भी गिरावट आई, ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद इसने रिकवर करना शुरू कर दिया, और वो बहुत बढ़िया चीज़ रही है। बैलेंस शीट पे बात करें ट्रेस, ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो बोरोइंग्स बहुत कम है, एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ जाती है। रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी शानदार है, लाइबिलिटीज स्टिल है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज कर रखा है अपना इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी, और बाकी चीज़ों का एसेट भी काफ़ी अच्छा है कंपनी के पास, तो ओवरऑल ठीक है। अभी जब आ जाएगी, मतलब इन्होंने तो ये दिसंबर पे ही अपडेट होता है, तो मतलब ओवरऑल अभी जो बैलेंस शीट दिख रही है वो काफ़ी
अच्छी रही है। तो इन्होंने दिसंबर 2009 से दिसंबर 2020 तक का डाटा है, यहाँ पे एक अच्छी खासी बैलेंस शीट यहाँ पे नजर आ रही है। अब आपको जो बैलेंस शीट एकदम अच्छे से मिलेगी अपडेट, वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2021 में मिलेगी। तो अभी ये डाटा जो है एकदम करेक्टेड है, आप इसको नोट करके चल सकते हैं। कंडीशन अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जो क्वार्टरली रिजल्ट देख के आए हैं वहाँ पे आपको पता ही लग गया कि कितना अच्छा मेंटेन करते हुए आ रही है कंपनी। तो ओवरऑल गुड पोजीशन। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रो कॉन्स पे बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पब्लिक गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं थी पहले ड्रेस, और अब गवर्नमेंट की होल्डिंग भी 0.26% बढ़ी है, एक अच्छी चीज़। FIIs DIIs भी इस शेयर को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी शानदार है, पब्लिक की होल्डिंग बहुत कम है, जितनी कम हो उतनी अच्छी है, तो मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए अच्छी है। 30% से जितना कम रहे उतना बढ़िया है। तो ओवरऑल अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न परफेक्टली बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रो कॉन्स पे बात करें तो डेप्ट फ्री हो चुकी है, डिविडेंट प्रोवाइड जो किया है वो भी काफ़ी अच्छा है, 6.18% डिविडेंट हेल्थी मेंटेन करके रखी है, मतलब पे आउट जो है 59.67%, एक बहुत अच्छी बात है। बस एक ही चीज़ है जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 ईयर का, जैसा कि मैं आपको वीडियो के जब इसकी डिटेल बता रहा था रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो वहाँ पे बताया था वहाँ पे 10 ईयर का 3 ईयर का जो है थोड़ा लड़खड़ा रहा है, बट स्टिल नंबर इसके अच्छे हैं, 9.98% है डिविडेंड पे कर रही है, तो ठीक ठाक आ जाते हैं। अब चार्ट पे बात कर लेते हैं, तो जो सपोर्ट के पास जितना करीब बाई कर रखे हैं वो इतनी अच्छी कंडीशन में है, जो थोड़ा ऊपर कर रखे हैं वो एवरेज कर लें या कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं, कंपनी अच्छा दिख रही है। हाँ ये हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे डिप डाउन, ये सब हर शेयर में होता रहता है, ये मार्केट है, ये थोड़ा होता रहता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, थोड़ा मंथली ज़्यादा टाइम के लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। तो सपोर्ट जो बन रहा है 262.95 रुपीज़ पे अभी करंटली स्ट्रांग दिख रहा है ये सपोर्ट, जो थोड़ा और वीक सपोर्ट कह लीजिए उसको 297.30 रुपीज़ पे। रेजिस्टेंस जो बन रहा है ट्रेड्स वो 295.50 रुपीज़ पे, मतलब काफ़ी उसके पास है, इसको ब्रेक करेगी ट्रेड्स तो ये बहुत अच्छे नंबर आपको दिखा सकती है। ओवरऑल कंडीशन अच्छी चल रही है, जो उसके ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 316.85 रुपीज़ पे, मतलब इसको ब्रेक करेगी तो आपको एक अच्छी रैली दिखाई देगी, और इसको कंटिन्यू रखती है तो जो मैं पर्सनल टारगेट लेके चल रहा हूँ 360 तक का, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसके बाद सेल कर देना है, और अगर कंडीशन अच्छी रहती है, क्योंकि अभी कंडीशन अच्छी दिख रही है, 3-6 मंथ बाद जैसी कंडीशन होगी फिर से हम लोग अपडेट ले देंगे, 3 मंथ बाद 4 मंथ बाद जैसी कंडीशन होगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा इसी वीडियो में। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।